आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। शनिवार से आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 4 के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 10 दिवसीय श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान शुरू हो गया है। विधान में पहले दिन सेक्टर 7 के श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से भव्य घट यात्रा निकाली गई। इसमें क्षेत्र के जैन समाज के सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। शनिवार से आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 4 के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री 108 विशोक सागर महाराज के सानिध्य में 10 दिवसीय श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान शुरू हो गया। विधान में पहले दिन सेक्टर 7 के श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से भव्य घट यात्रा निकाली गई। इसमें क्षेत्र के जैन समाज के सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंध समिति के मंत्री ललित जैन ने बताया कि कई साल बाद मंदिर में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया गया है। पहले दिन घट यात्रा के साथ इस विधान की शुरुआत हुई है। घट यात्रा में क्षेत्र के सैकड़ों जैन बंधुओं ने परिवार सहित भाग लिया। ये जो है हमारी घट यात्रा इसीलिए प्रारंभ हुई है कि हम लोग सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन कर रहे हैं, उसमें श्री हमारे विशोक सागर जी महाराज आज मंदिर जी में विराजमान है, उनके सानिध्य में ये हमारी घट यात्रा हो रही है और उन्हीं के आशीर्वाद से ये कार्य पूर्ण हो रहा है। और हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि इस सिद्ध चक्र मंडल विधान में हमें किसी प्रकार का विघ्न न आए, इसीलिए हम लोग अब ये घट यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं और घट यात्रा शुरू हो गई है। हम लोग गुरु जी की प्रेरणा से श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन के लिए घट यात्रा निकाल रहे हैं। घट यात्रा का आवास विकास कॉलोनी के विभिन्न सेक्टर्स में भक्तजनों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मंदिर से जुड़े भक्त हेमा जैन ने कहा कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भक्त के जीवन में काफी महत्व होता है। सेक्टर 7 जैन मंदिर से घट यात्रा का शुभारम्भ किया गया। इसके मौके पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान राष्ट्र मुनि श्री 108 विशोक सागर महाराज के सानिध्य में होगा एवं परमानंद शास्त्री के सानिध्य में होगा। ये विधान 20 मार्च से 29 मार्च तक होगा, बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। सेक्टर 7 आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 जैन मंदिर शांति सभागार से निकलकर सेक्टर 4 की ओर बढ़ रही है। भगवान पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में सिद्ध चक्र विधान बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा और महाराज क्योंकि सानंद में मनाया जा रहा है, इसे भगवान पार्श्वनाथ की बहुत कृपा होगी। सिद्ध चक्र विधान मंडल और महायज्ञ बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये कोरोना वायरस के चलते हुए सिद्ध चक्र विधान का बड़ी धूमधाम से उत्सव बड़ी जोरों से मनाया जा रहा है। सेक्टर 4 सेक्टर 7 आवास विकास मिलकर सभी बड़ी लोग बड़ी धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। घट यात्रा विभिन्न सेक्टर्स का भ्रमण करते हुए सेक्टर 4 मंदिर पहुंची, जहां आचार्य श्री 108 विशोक सागर महाराज की पावन उपस्थिति में मंदिर समिति से जुड़े लोगों ने पंडाल शुद्धि की। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।